नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आइरो करते हैं खबर की। आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा 26 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब से भरा वाहन जब्त किया। झाबुआ जिले में शराब माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही, कभी पुलिस विभाग को चकमा देकर कभी आबकारी विभाग को, परंतु अब जिला कलेक्टर नेहा मीणा के सख्त निर्देश के पश्चात शराब माफियाओं पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। आज झाबुआ जिला आबकारी विभाग अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया जिला आबकारी अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिनांक 7 सितंबर 2024 को आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ बा में मुखबिर द्वारा बताए अनुसार वाहन क्रमांक MP46H0986 का पीछा कर ग्राम सालरपाड़ा तह राणापुर में ट्रक की घेराबंदी करके रोका गया। वाहन चालक ने वाहन को नाले के अंदर डालकर मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन की मौके पर तलाशी लेने पर मदिरा की पेटियां भरी होना पाया गया। मौके पर आबकारी बल हमला होने की संभावना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा तत्काल पुलिस बल राणापुर का सहयोग भेजा गया। बाद में ट्रक को जेसीबी की मदद से नाले से बाहर निकाल कर आबकारी कार्यालय लाया गया। वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 330 पेटी बेग पाइपर विस्की मदिरा कुल 2,851.2 बल्क लीटर विधिवत जब्त कर मदिरा एवं वाहन कब्जे में आबकारी लेकर आरोपी मौके से फरार होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1951 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1), 34(2), 36(46) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त जब्तशुदा मदिरा का अनुमानित मूल्य ₹26,92,800 एवं जब्त वाहन ट्रक का अनुमानित मूल्य 30 लाख है। इस प्रकार कुल ₹56,92,800 है। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। झाबुआ से अखिलेश रावत की रिपोर्ट। जगह पर जाकर रुक गया। टीम के द्वारा घेराबंदी की गई तो वाहन चालक और अन्य दो तीन लोग वहां से मौके से फरार हो गए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और घनी झाड़ियां बारिश के कारण होने से आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका। और ट्रक को खोलकर देखने पर उसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी और मौके पर ही इनको रेंडमली खोल के देखा तो उसमें शराब ही भरी हुई थी। और उसको जब हमने निकालने का प्रयास किया तो बारिश के कारण वो फंस गया। ऐसे में कुछ लोगों के हमला होने की भी आशंका हम लोगों को लगी कि कुछ लोग हमला कर रहे हैं, तो एसपी साहब को हमने सूचना दी और एसपी महोदय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए राणापुर पुलिस थाने से कुछ स्टाफ भेजा और हम लोगों की मदद की गई। और इस तरह से हम लोग जेसीबी मशीन मंगवा कर और ट्रक को निकाल कर मध्यवर नगर झाबुआ पर लाए हैं और यहाँ पर इनकी गिनती की है। तो 330 पेटी है बेग पाइपर विस्की, जो है 2,851 बल्क लीटर, उसका अनुमानित मूल्य है 26,92,800 रुपये और वाहन का अनुमानित मूल्य है 30 लाख रुपये। इस प्रकार से कुल मूल्य 56,92,800 रुपये है। आरोपी फरार है, अनुसंधान जारी। खबर में बस इतना ही, बने रहें सीआईडी न्यूज के साथ।